हे गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आ गई हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो फ्रेंड्स ऐसे ही परफ्यूम की बॉटल को हम फेंक देते हैं तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं तो ये देखिए ग्लू मैंने लगा दिया और इस तरह से कोई पुट्ठा यूज़ किया है और ये अब बन गया हमारा बहुत ही यूज़फुल चीज़ जो देखिए हम डेली वेयर में जो कंगन या चूड़ियाँ यूज़ करते हैं वो इसके लिए उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है उसे हम सिंगरदानी के आसपास रख सकते हैं दूसरा ट्रिक हमारा ये देखिए जो हमारी कोकर जो छोटे होते हैं उनकी सीढ़ियाँ ढीली होती हैं उसमें से पानी फेंकता है तो इस तरह की हम जो है ट्रिक यूज़ कर सकते हैं ये जो घर में हमारे पेपर वगैरह होते हैं जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं और जो हमारे बुक्स होते हैं जो पुराने होते हैं उसे हम इस तरह से लगा करके और सीटी लगाएं तो जो पानी है इसी पे आए इससे हमें माजने में हमारा जो कुकर का ढक्कन है बिल्कुल गंदा नहीं होगा और माजने में बहुत ही आसानी हो जाएगी ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करिएगा अब हमारा तीसरा टिप्स जो है हम रोटी को रखते हैं फ्रेंड्स ऐसे अगर रख दे तो हमारी रोटियां नीचे की गिल्ली हो जाती हैं साइड की गिल्ली हो जाती हैं तो इस तरह से हमें एक रोज़ एक जो है कपड़ा यूज़ करना है जो कपड़े पे हम रोज धुल करके इस तरह से सुखा लेंगे तो इस पे हम रोटियां रख करके और इसे बहुत ही सेफ्टी के साथ रख सकते हैं और इसमें कभी भी आपकी रोटियों में गिल्ला या पानी नहीं लगेगा कभी कभी ऊपर का जो हम तोपन से ही इसको ढकते हैं उससे ही भीग जाती हैं और हम इस तरह से रख करके ढक दें तो हमारी रोटियां बिल्कुल ख़राब और गीली नहीं होंगी अब हमारा चौथा टिप्स जो है ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी चूड़ियां हैं और अगर हम आथा आटा गूंथने जाते हैं तो हमारी चूड़ियाँ जो हैं ख़राब हो जाती है हमारे कंगन और आजकल जो बेलबेट की चूड़ियाँ हैं हम जल्दी अगर बदल नहीं पाते हैं और हमें घर के काम करने होते हैं बर्तन माँजना ऐसे बहुत सारे तो इस तरह के रबर बैंड आपके पास होते होंगे या तो इससे भी मोटे तो इसे आप ऊपर चूड़ियाँ कर, कर के और इसे लगा दें तो आपकी चूड़ियाँ नीचे नहीं आएगी और आप सेफली काम कर सकते हैं और इसे चूड़ियाँ आपकी नई की नई और सेफ़ रहेंगी फ्रेंड्स ये बहुत ही मज़ेदार की ट्रिक है इसे ज़रूर फॉलो करिएगा तो फ्रेंड्स अब मेरा ये नेक्स्ट टिप्स जो है इस तरह से देख सकते हैं अब तो साग का सीज़न है और साग भरपूर हमारे घर पे आ रहे हैं मेथी के साग तो ये धनिया है अगर धनिए का पत्ता आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह मेथी के साग को मेथी का साग इसके लिए बहुत ही बेस्ट होगा जो चुन चुन के हम काटते हैं इसे हम बहुत आसानी की तरह से इसी छिदे में डालना है और इसे ऐसे ही निकाल लेना हमारा पत्ता निकल जाएगा तो फ्रेंड्स अब हमारा रहा नेक्स्ट ट्रिप जो ऐसे शादी के सीज़न चल रहे हैं और इस शादी के कार्ड जो है हम फेंक देते हैं तो इस बॉक्स को इस चप्पल के बॉक्स को जो है मैं बहुत ही यूनिक बनाने वाली हूँ आपने मेरा नेक्स्ट वीडियो देखा नहीं होगा मैंने फर्स्ट एडिट बॉक्स बनाया है उसमें मैंने ऐसे ही सामान रखे हैं कितने यूजफुल सामान है वो ज़रूर देखिएगा तो अगर ऐसे शादी के कार्ड आप लोग के पास है तो उसे फेंकिए ना ये जो वीडियो है मेरे चैनल पे बहुत ही जल्द आने वाला है इस बॉक्स को कैसे बनाएं हम कैसे डेकोरेट करें और आप लोग कोई भी सामान बेस्ट नहीं जाएगा फ्रेंड्स तो ये देखिए कि मेरा बेस्ट जो बॉक्स है बहुत ही यूनिक तरीके से तैयार हो चुका है और इसे मैं बहुत ही यूज़फुल चीज़ों में लगाऊंगी तो फ्रेंड्स वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा रहा हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स क्योंकि इस वीडियो पर हमारा बहुत मेहनत लगता है